गुड इवनिंग। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे राइट एट्रियम के बारे में। ठीक, देखिए राइट एट्रियम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन थोरैक्स में लगभग आना फिक्स ही रहता है। ठीक, तो राइट एट्रियम क्या होता है? इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल चैम्बर सिचुएटेड बिहाइंड एंड टू द राइट साइड ऑफ राइट वेंट्रिकल। ठीक, उसके लिए पहले डायग्राम देखें। देखें, ये हार्ट का डायग्राम है ना, तो रफ डायग्राम है। ये है राइट वेंट्रिकल, आपको दिख रहा है, और ये है राइट एट्रियम। ठीक, तो जब आप हार्ट में रियल में देखेंगे तो अगर ये मान लो राइट वेंट्रिकल है तो जो राइट एट्रियम होता है ये थोड़ा सा इसके पीछे सिचुएटेड होता है, थोड़ा सा पीछे होता है। ठीक है, पीछे होता है और राइट साइड में होता है। ठीक, तो ये वही लिखा हुआ है कि इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल चैम्बर का मतलब क्या है कि इसकी चार साइड्स होती हैं, मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटरल चैम्बर होता है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल चैम्बर सिचुएटेड बिहाइंड एंड टू द राइट साइड ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ठीक, अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है मेन कैविटी और दूसरा पार्ट होता है स्मॉल आउटपाउचिंग कॉल्ड एज ऑरिकल। ठीक, तो इसके लिए फिर से डायग्राम देखो। देखो, जो ये हमारा राइट एट्रियम है इसका दो पार्ट है, एक तो ये मेन कैविटी है, पूरी मेन कैविटी। ठीक, और ये देखो हल्का सा तुम्हें पार्ट रफ वाला जो दिख रहा है, जो ऊपर जा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं राइट ऑरिकल। ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन समझ लो राइट ऑरिकल है और ये बाकी मेन कैविटी है किसकी, राइट एट्रियम की। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में। वर्टिकली इलोंगेटेड एंड रिसीव सुपीरियर वेना केवा एट अपर एंड एंड इन्फीरियर वेना केवा एट लोअर एंड। देखो, इलोंगेटेड वर्ड का मतलब क्या है, वर्टिकली इलोंगेटेड वर्ड का मतलब क्या है कि ये चैम्बर ऐसे नहीं होता, ये क्वाड्रिलेटरल चैम्बर ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा इलोंगेटेड है, मतलब वर्टिकली थोड़ा सा इलोंगेटेड शेप में, इसे मतलब कुछ इस शेप में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वर्टिकली इलोंगेटेड होना। ठीक, वर्टिकली इलोंगेटेड। और अब देखो, इसमें ऊपर से सप्लाई आती है सुपीरियर वेना केवा की और नीचे से सप्लाई आती है इन्फीरियर वेना केवा की, ऐसे। तो ऊपर से आता है इसको, मिलता है सुपीरियर वेना केवा और नीचे से इसको मिलती है इन्फीरियर वेना केवा की सप्लाई। ठीक, तो ये पहला इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, वर्टिकली इलोंगेटेड एंड रिसीव सुपीरियर वेना केवा एट अपर एंड एंड इन्फीरियर वेना केवा एट लोअर एंड। ठीक, अब देखो, अपर एंटीरियर इज प्रोलॉन्ग टू फॉर्म राइट ऑरिकुलर अपेंडेज, अपेंडेज कॉल्ड एज राइट ऑरिकल। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो इसका अपर एंटीरियर पार्ट होता है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है, जो अपर एंटीरियर पार्ट होता है वो थोड़ा सा, ये मान लो इसका अपर एंटीरियर पार्ट है, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया और इसने एक अपेंडेज बना दिया, इसको हम लोगों ने क्या बोला, राइट ऑरिकल। ठीक, अब राइट ऑरिकल का ऐसा सच कोई फंक्शन तो नहीं होता, लेकिन ये रूट ऑफ असेंडिंग एओर्टा को कवर करता है। रूट को कवर करने का मतलब क्या है कि मान लो ये असेंडिंग एओर्टा है, ठीक है, और ये असेंडिंग एओर्टा यहां से ओरिजिनेट हो रही है, यहां से। ठीक, तो राइट ऑरिकल क्या करता है, इसको ऐसे कवर करके रखता है, मतलब रूट को इसने क्या किया है, कवर करके रखा हुआ है। इसका कोई फंक्शन नहीं है, बस एक तरह का इसने कवरिंग करके रखी है रूट ऑफ असेंडिंग एओर्टा को। ठीक, तो ये देखो, अपर एंटीरियर पार्ट इज प्रोलॉन्ग टू फॉर्म राइट ऑरिकल अपेंडेजेस कॉल्ड एज राइट ऑरिकल। ठीक, टू फॉर्म राइट ऑरिकुलर अपेंडेज कॉल्ड एज राइट ऑरिकल। अब देखो, अ शैलो वर्टिकुलर ग्रूव कॉल्ड एज सल्कस टर्मिनालिस एक्सटेंड अलॉन्ग द राइट बॉर्डर बिटवीन द सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। द अपर पार्ट ऑफ सल्कस टर्मिनालिस कंटेन साइनोएट्रियल नोड इंटरनली इट करिस्पॉन्ड टू क्रिस्टा टर्मिनालिस। अब देखो, ये लाइन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले सल्कस वर्ड का मतलब क्या होता है और क्रिस्टा वर्ड का मतलब क्या होता है, ये तुम समझो। देखो, ये मान लो राइट एट्रियम है। ठीक, ये है राइट एट्रियम, ऊपर से आ रही है, ये है सुपीरियर वेना केवा और ये है इन्फीरियर वेना केवा। ठीक, ये नीचे से आ रही है इन्फीरियर वेना केवा। अब समझो कि मैंने ये इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक, नहीं, ग्रूव ग्रूव ये दिखेगी। तो देखो, अब अगर तुम इस पेज को देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे ग्रूव, मतलब क्योंकि मैंने पेज को मोड़ दिया था तो तुम्हें यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा को ये जो जोड़ने वाली लाइन है, ये ग्रूव, ये तुम्हें सल्कस दिखेगा। सल्कस का मतलब होता है गड्ढा। सल्कस मतलब क्या होता है, गड्ढा। ठीक है, मतलब एक हल्की सी एक डिप्रेशन दिख रहा होगा ये। ठीक, ऐसा डिप्रेशन हार्ट में होता है, इसे बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। याद करो, जो हम लोग का ब्रेन होता है सेरिब्रम, उसमें बहुत सारे सल्कस होते हैं, सेंट्रल सल्कस, मतलब क्या होते हैं, जहां पे ब्रेन थोड़ा सा धसा हुआ होता है ना, थोड़ा सा उसमें डिप्रेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्कस। तो इसे बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। ठीक, अब जैसे मैं इसको पीछे करूंगा, मतलब मैं अब राइट एट्रियम के अंदर देख रहा हूं, सपोज मैं क्या कर रहा हूं, राइट एट्रियम के अंदर देख रहा हूं, तो यही जो
यहाँ पे जो डिप्रेशन था वो जब तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें एक उभार दिखेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि अभी मैं राइट एट्रियम को बाहर से देख रहा हूँ तो मुझे ये डिप्रेशन दिख रहा है, इसको मैंने बोला सल्कस टर्मिनलिस। लेकिन जब मैंने इसी राइट एट्रियम को अंदर से देखा तो ये मुझे एक उभार दिखेगा, और ये जो उभार होता है इसको बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनलिस। ठीक, तो अगर तुम सल्कस टर्मिनलिस को बाहर से देख रहे हो तो वो एक गड्ढा है, एक डिप्रेशन है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सल्कस टर्मिनलिस। लेकिन जब उसी को तुम अंदर से हार्ड को डाइसेक्ट करोगे, राइट एट्रियम को काटोगे और उसे ओपन कर दोगे तो वही तुम्हें एक उभार दिखेगा, उसे बोलोगे क्रिस्टा टर्मिनलिस। इतनी बात समझ में आई है? तो वही लिखा हुआ है, अ शैलो वर्टिकल ग्रूव कॉल्ड एज सल्कस टर्मिनलिस एक्सटेंड अलोंग द राइट बॉर्डर बिटवीन सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। द अपर पार्ट ऑफ सल्कस टर्मिनलिस कंटेन्स साइनोएट्रियल नोड, इंटरनली इट करिस्पॉन्ड टू क्रिस्टा टर्मिनलिस। अब हाँ एक बताओ, समझ लो, देखो जब तुम हार्ट को ओपन करोगे तो जो अपर पार्ट होता है, देखो ये, देखो ये पार्ट क्या है हमारा, क्रिस्टा टर्मिनलिस है, तो जिसका अपर पार्ट होता है वहां पे होता है साइनोएट्रियल नोड, वहां पे क्या होता है साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वेयर, कि अगर कोई से पूछ ले कि साइनोएट्रियल नोड की प्रेजेंस कहाँ पे होती है तो तुम बोल दो कि क्रिस्टा टर्मिनलिस के अपर पार्ट में होता है साइनोएट्रियल नोड। ठीक, द वर्टिकल राइट एट्रियोवेंट्रिकल ग्रूव लॉजेस द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड स्मॉल कार्डियक वेन। अब एक चीज और समझो, ये हम लोग का मान लो हार्ट है, ये मान लो हम लोग का राइट एट्रियम है और ये हम लोग का राइट वेंट्रिकल है। ठीक, तो ये देखो ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ग्रूव। तो इस ग्रूव में क्या क्या चलता है, क्या क्या पास होता है, इस ग्रूव का कंटेंट क्या क्या है? तो इस ग्रूव का कंटेंट दो चीजें हैं, एक तो है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी और कुछ स्मॉल कार्डियक वेन्स, स्मॉल कार्डियक वेन्स, ये इस ग्रूव का कंटेंट है। द वर्टिकल राइट एंट्रियोवेंट्रिकल ग्रूव लॉजेस राइट कोरोनरी आर्टरी एंड स्मॉल कार्डियक वेन। ठीक है, ये एक्सटर्नल फीचर राइट एट्रियम के खत्म हो गए थे, इतने ही थे। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो चीजें समझने वाली होती हैं वो बहुत कम होती हैं, लेकिन जब उसी को तुम एक्सप्लेन करते हो, लिखते हो, तो उसमें 10 से टर्म्स आ जाते हैं। लेकिन मैंने इतना बताया तो उसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं थी, बस मैंने इतना ही बताया आपको कि ये मान लो राइट एट्रियम है, ऊपर से आ रही सुपीरियर वेना केवा, नीचे से आ रही इन्फीरियर वेना केवा। ठीक, यहाँ पे एक सल्कस है, उसे बोला सल्कस टर्मिनलिस, जब इसको अंदर से देखोगे तो फिर आपको देखेगा क्रिस्टा टर्मिनलिस, उसके अपर पार्ट में होता है साइनोएट्रियल नोड, और मैंने कहा था एट्रियोवेंट्रिकल ग्रूव में रन करती है स्मॉल कार्डियक वेन और राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो अपर एंटीरियर पार्ट होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठा होता है और ये फॉर्म करता है राइट ऑरिकल। बस इतना ही बताया। ठीक, अब उसी की इंग्लिश इतनी टफ थी, लेकिन आई होप आपको समझ में आया हो कि मैंने थ्योरी में क्या बताया। ठीक, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके इंटरनल फीचर्स के बारे में। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इंटरनल फीचर ऑफ राइट एट्रियम के बारे में। ठीक, इंटरनल फीचर इंपॉर्टेंट है तो समझो पहले कैसे इसको समझते हैं। देखो राइट एट्रियम का एक चैम्बर है, ठीक है, एक चैम्बर है, तो ये देखो चैम्बर रहा, ये एक चैम्बर है, ठीक है, एक खाली डब्बा है यही। ठीक, अब अगर मुझे इसको डाइसेक्ट करना होगा राइट एट्रियम को, तो पहले मैं ये वाले पार्ट को हटा दूंगा, इसके एंटीरियर पार्ट को हटा दूंगा, और फिर मुझे दिखेगा इसका पोस्टीरियर पार्ट। ठीक, तो जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है ना वो स्मूथ होता है, क्या होता है स्मूथ, उसे बोलते हैं साइनस वेनोरम, उसका नाम क्या होता है साइनस वेनोरम। इसकी खास बात क्या होती है, इसमें बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं, बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं। ठीक, किसी किसी ओपनिंग वो अभी देख लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है कि आपको इसमें बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं, ऑल वीनस चैनल्स एक्सेप्ट एंटीरियर कार्डियक वेन ओपन टू दिस पार्ट, मतलब जितने भी वीनस चैनल्स होते हैं हार्ट के वो सब यहाँ पे आके ओपन होते हैं एक्सेप्ट स्मॉल कार्डियक वेन। ठीक, सॉरी एंटीरियर कार्डियक वेन। ठीक, और जो मैंने पार्ट डाइसेक्ट किया था ये एंटीरियर पार्ट, जब मैं इसको देखूंगा, देखो जब मैंने इसको डाइसेक्ट किया और मुझे अब इसके इंटरनल फीचर्स देखने हैं, तो मैं इसको उल्टा करूंगा, देखूंगा इसके इंटरनल फीचर्स, तो इसके इंटरनल फीचर में मुझे दिखेगी क्रिस्टा टर्मिनलिस, उससे अटैच कुछ मस्कुलर रिजेस, इन्हें बोलेंगे मस्कुलाई पेक्टिनाई। अभी मस्कुलर रिजेस क्या होती है, तो कोई रोड, अगर कोई एक रोड है, ठीक है, वो स्मूथ चल रही है लेकिन कुछ देर बाद में स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, मतलब वो रोड उबड़ खाबड़ हो जाती है, मतलब उस रोड का जो पैटर्न है था वो बिगड़ गया एक काइंड ऑफ ना। तो वैसे ही कि जो मसल्स होती है कभी कभी वो स्मूथ नहीं होती है, वो क्या होती है, वो कुछ रिजेस फॉर्म कर लेती है, कुछ उबड़ खाबड़ शेप बना लेती है, उसे बोलते हैं मस्कुलाई पेक्टिनाई। ये हार्ट में होता है, राइट एट्रियम का ये एक स्पेशल फीचर होता है, ट्रांसवर्स रिजेस द मस्कुलाई पेक्टिनाई। ठीक, अब देखो तुम ऐसे ध्यान रखना हाथ से कि ये मान लो क्रिस्टा टर्मिनलिस, ये है मस्कुलाई पेक्टिनाई, मतलब वही ट्रांसवर्स रिजेस, तो ये ट्रांसवर्स रिजेस कहां से अराइज हो रही है, ये अराइज हो रही है किससे, क्रिस्टा टर्मिनलिस से। ठीक, और फाइनली ये कहां पे जाएंगी, ये जाएंगी राइट ऑरिकल तक। ठीक, विच अराइज फ्रॉम क्रिस्टा टर्मिनलिस एंड रन फॉरवर्ड टुवर्ड द राइट ऑरिकल। ठीक, तो भाई थोड़ा सा नोट्स में कंफ्यूज मत होना, साइनस वेनोसस स्मूथ वाला पार्ट है, उसका नोट्स यहाँ है और ये यहाँ पे, वो एक्चुअली थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया था, ठीक है, मैंने इसको यहाँ लिख दिया था। ठीक, चलो अब हमें ये डायग्राम याद करना है, देखो ये डायग्राम बहुत आसान है। ठीक, देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसको ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसे सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, और ये डायग्राम सारे के सारे इंटरनल फीचर जो राइट एट्रियम के होते हैं उनको दिखाता है।
ठीक। तो अगर तुम्हें टीचर पे कोई इंप्रेशन झाड़ना है तो बस उसको ये डायग्राम बना के लेबलिंग कर दो पूरी की पूरी। तुम लेबलिंग कर दोगे तो समझ जाएगा कि हाँ इसको मालूम सब कुछ है, क्योंकि इसमें कुछ भी छूटा नहीं है इस लेबलिंग के अंदर। ठीक, समझो क्या क्या है। देखो अच्छा, ये पहले डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ कैसा है। ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया है ये एक्चुअली इसके ऊपर था, रिफ्लेक्ट किया है, इसको काट के ऐसे कर दिया है, मतलब वही जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था ऐसे कर दिया डायग्राम को। ठीक, खोल दिया राइट एट्रियम को, क्योंकि हम इंटरनल फीचर्स देख रहे हैं। तो देखो ये वाला पार्ट अगर हम देखें पहले, कौन सा पहले हम देखते हैं, रफ एंटीरियर पार्ट। तो इस पे हमें क्या दिखेंगे, ट्रांसवर्स रिजेस, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, मस्कुलाई पेक्टिनाई, जो कि कहां से अराइज होनी, क्रिस्टा टर्मिनलिस से। तो ये देखो ये है क्रिस्टा टर्मिनलिस, सॉरी ये है क्रिस्टा टर्मिनलिस, ठीक, इससे अटैच हो रही है ये मस्कुलाई पेक्टिनाई, बस। ठीक, खत्म हो गया हमारा इतना पार्ट। अब हम लोग आते हैं स्मूथ पार्ट पे। तो तुम देखो ये ऊपर से कौन क्या है, सुपीरियर वेना केवा, और ये उसकी ओपनिंग है कहां पे, स्मूथ पार्ट में, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट में। नीचे से इन्फीरियर वेना केवा, इसकी ओपनिंग कहां है, भाई स्मूथ पार्ट में। ठीक, अब देखो इसके अलावा आपको दिखेगा फोसा ओवेलिस, ये जो मैंने ब्राउन कलर से रंगा हुआ है ये है फोसा ओवेलिस। ठीक, फोसा ओवेलिस क्या होता है, जो फोरामेन ओवेल होता है वो जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वो फोसा बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद भी उसका कुछ इंप्रेशन रह जाता है, उसे बोलते हैं फोसा ओवेलिस। समझ रहे हो कि एक गड्ढा था पहले, उसको मिट्टी से भर दिया गया है, लेकिन अब अभी भी उसमें एक काइंड ऑफ एक डिप्रेशन रहता है उस जमीन पे। तो वो जो जमीन पे जैसा डिप्रेशन रहता है ना, वैसा ही है। पहले यहाँ पे एक ओपनिंग थी फोरामेन ओवेल, अब उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन तब भी उसका एक इंप्रेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। ठीक, इसकी जो बाउंड्री होती है ना, इसे बोलते हैं एनुलस ओवेलिस या फिर लिम्बस फोसा ओवेलिस ये। ठीक अच्छा, अब समझना, अब ये हरे रंग से मैंने बनाया, इसे बोलते हैं टेंडन ऑफ टोरेडो, टेंडन ऑफ टोरेडो। अब मेरी बात समझना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ टेंडन ऑफ टोरेडो, अभी एक और चीज बताऊंगा, क्या नाम था उसका, रुको, टोरस एओर्टिकस, टोरस एओर्टिकस वो यहां होता है, मैंने ड्रॉ नहीं किया था डायग्राम में, ये होता है टोरस एओर्टिकस। अब इन सब के नाम से डरना नहीं, देखो ये सब क्या होते हैं, ये सब सिंपल वही डिप्रेशन होते हैं, मतलब डिप्रेशन का मतलब होता है एक समझ लो एक इंप्रेशन होते हैं। जैसे कि मान लो ये टेंडन ऑफ थोरेडो है, ये जो हम लोग की हार्ट की एंडोकार्डियम होती है वो राइट एट्रियम के पीछे थोड़ी सी थिक हो जाती है, थोड़ी सी थिक हो जाती है ना, तो उसका इंप्रेशन जो है, ऐसा इंप्रेशन वो राइट एट्रियम के अंदर आता है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये कुछ भी नहीं है भाई, पीछे जो एंडोकार्डियम थी वो थिक हो गई थी, तो उसका इंप्रेशन बस सामने आ गया, अब वो दिख रहा है हमें, तो हमने उसको नाम दे दिया टेंडन ऑफ टोरेडो। ये क्या कोई चीज, कुछ नहीं है, बस एक इंप्रेशन है, जो चीज पीछे बहुत मोटी थी उसका इंप्रेशन आगे आ गया है, बस, समझे। और जो टोरस एओर्टिकस होता है ये भी यही चीज होती है, जो देखो यहां से असेंडिंग एओर्टा अराइज हो रही होगी यहां से कहीं पीछे से, ठीक है, तो असेंडिंग एओर्टा जहां से अराइज होती है ना, तो कुछ तो वहां पे एक साइनस होता है, उसे बोलते हैं कोरोनरी साइनस। अब वो बल्ज पार्ट होता है, बल्ज पार्ट, तो अगेन उसका जो इंप्रेशन है वो सामने आ गया, तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया, टोरस एओर्टिकस। कुछ अलग चीज नहीं है, बस जो चीजें पीछे हैं वो बल्ज आउट कर गई और उनके इंप्रेशन राइट एट्रियम में आ गए, ठीक है, तो इसे बोल दिया टोरस एओर्टिकस। ठीक अच्छा, अब समझो, अब बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स की ओपनिंग होती है, इन्हें बोलते हैं वेने कॉर्डिस मिनिमी। ठीक, कुछ जो हार्ट को सप्लाई करने वाली मेन वेन्स होती है उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, उन्हें बोलते हैं वेने कॉर्डिस मिनिमी, तो उनकी ओपनिंग्स होती हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें होता है एवी नोड, ठीक, एवी नोड होता है, और देखो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसके तीन पार्ट होते हैं, उसमें एक पार्ट होता है सेप्टल कस्प, तो ये सेप्टल कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ठीक अच्छा, अब देखो जो मेन वीनस ड्रेनेज होता है हम लोग के हार्ट का, उस समय बोलते हैं कोरोनरी साइनस, मेन वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कोरोनरी साइनस। तो यहां पे होती कोरोनरी साइनस की ओपनिंग। ठीक, अब ये है ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, और ये जो ब्लैक पार्ट में ये है वॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस। ठीक, और तो कुछ रह नहीं गया, खत्म हो गया। ठीक, तो ये डायग्राम आपको याद करना है भाई, याद ही कर लो ये डायग्राम को। देखो इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा बनाओ, ठीक, फिर बनाओ फोसा ओवेलिस, लिम्बस फोसा ओवेलिस, स्मॉल कार्डियक वेन, इतना हो गया, सेप्टल कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, कोरोनरी साइनस उसका वॉल्व, टेंडन ऑफ टोरेडो, टोरस एओर्टिकस। ठीक, अब इनके बारे में हल्का हल्का पढ़ लेते हैं, हालांकि हमको सब कुछ आता है। सबसे पहले फोसा ओवेलिस, तो शैलो डिप्रेशन इन लोअर पार्ट रिप्रेजेंट फोरामेन ओवेल इन द फीटस, ठीक है, बता दिया था। नेक्स्ट है एनुलस ओवेलिस, फॉर्म्स अपर एंड लेटरल मार्जिन ऑफ फोसा ओवेलिस। देखो ये क्या फॉर्म करता है, अपर और लेटरल मार्जिन ऑफ इसका, फोसा ओवेलिस का। ठीक, इंफीरियरली कॉन्टिन्यूस विद द लेफ्ट एंड ऑफ वॉल्व ऑफ इन्फीरियर वेना केवा। हाँ, एक चीज और है, देखो जो ये है, ये हम लोग की इन्फीरियर वेना केवा, और ये उसका वॉल्व है, ये उसका वॉल्व है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये और नीचे तक होता है, यहां तक,
लिम्बस फोसोवेलिस, और एक कॉन्टिन्यूस कर जाता है किसके साथ, वॉल्व ऑफ इंफीरियर वेना केवा के साथ, वॉल्व ऑफ इंफीरियर वेना के साथ कॉन्टिन्यू कर जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो ट्रायंगल ऑफ कोच। अब देखो ट्रायंगल ऑफ कोच क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 मार्क्स में ट्रायंगल ऑफ कोच क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आखिर क्या होता है। तो देखो ये एक ट्रायंगुलर एरिया है बाउंड इन फ्रंट बाय सेप्टल लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, फ्रंट में क्या है इसके, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, अबव ऊपर क्या है, टेंडन ऑफ टोरेडो। ऊपर क्या है, टेंडन ऑफ टोरेडो, ऊपर है टेंडन ऑफ टोरेडो। ठीक, और नीचे क्या है, बिहाइंड, बिहाइंड एंटीरियर मार्जिन ऑफ ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ठीक है, तो नीचे मतलब बिहाइंड मतलब पीछे, सॉरी पीछे क्या है, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, आगे क्या है, सेप्टल कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, और जो इसका बेस है वो कन्फर्म करा टेंडन ऑफ टोरेडो। तो ये एक ट्रायंगल काइंड ऑफ बन गया, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल इसे बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ कोच। खास बात क्या होती है, इस ट्रायंगल का जो कंटेंट है वो खास बात है, वो क्या है, एवी नोड। ठीक, तो आपसे पूछेंगे कि जो ट्रायंगल ऑफ कोच है इसकी बाउंड्री बताओ, तो बाउंड्री आपको बतानी है कि इन फ्रंट सेप्टल लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, अबव ऊपर क्या है, टेंडन ऑफ टोरेडो, और पीछे क्या है, मतलब सॉरी बिहाइंड में क्या है, पीछे एंटीरियर मार्जिन ऑफ ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ठीक, और टेंडन ऑफ टोरेडो क्या था, तो मैंने कहा था सब एंडोकार्डियल रिज है। ठीक, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, और इस ट्रायंगल का कंटेंट क्या है, एवी नोड। ठीक, अब आ जाओ टोरस एओर्टिकस पे। तो टोरस एओर्टिकस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इट इज एलिवेशन इन द एंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ सेप्टम प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बल्जिंग ऑफ राइट पोस्टीरियर साइनस ऑफ असेंडिंग एओर्टा। इतनी कहानी मत याद रखो, बस ये ध्यान रखो कि एलिवेशन इन पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम फॉर्म ड्यू टू साइनस ऑफ असेंडिंग एओर्टा, बस इतना ध्यान रखो। एलिवेशन इन स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम फॉर्म ड्यू टू साइनस ऑफ असेंडिंग एओर्टा। ठीक, अब आ जाओ ओपनिंग्स पे, कि ओपनिंग्स कौन कौन सी हो रही हैं। तो ओपनिंग हम लोग को मालूम है कि राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग हो रही है। सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो ऊपर से ब्लड लाती है, बॉडी के अपर हाफ से ब्लड लाती है, और इसके अंदर कोई वॉल्व नहीं होता। ठीक, जो इन्फीरियर वेना केवा होती है ये लोअर एंड पे खुलती है, ये राइट एट्रियम के लोअर एंड पे खुलती है, और ये लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड लाती है, और इसमें कुछ रूडिमेंट्री वॉल्व होते हैं, मतलब कुछ वॉल्व होते हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है, रूडिमेंट्री है, यूजलेस है, और उन वॉल्व का नाम होता है यूस्टैकियन वॉल्व। ठीक, तो इन्फीरियर वेना केवा में होता है यूस्टैकियन वॉल्व। ठीक, अब आ जाओ ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। सो कोरोनरी साइनस विच ड्रेन मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट ओपन इन द राइट एट्रियम, मैंने कहा था मेन वीनस ड्रेनेज होता है हार्ट का। ठीक, अब इसकी ओपनिंग की पोजीशन आपको याद रखना, तो याद रखो वरना मत याद रखो, बिटवीन ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सरफेस गार्डेड बाय थिबेशियन वॉल। देखो जो इसकी ओपनिंग होती है कोरोनरी साइनस की, ये कहां कहां पे होती है, तो देखो इसके इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग रही है, और ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल होगा, तो ये हमारा राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। ठीक है, इसको गार्ड कौन करता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इन दोनों ओपनिंग के बीच में आती है किसकी ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ठीक, तो यही है कि कोरोनरी साइनस विच ड्रेन्स मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट ओपन इन राइट एट्रियम बिटवीन ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सरफेस गार्ड बाय थिबेशियन वॉल्व। अच्छा, जो कोरोनरी साइनस होता है ना, सॉरी हाँ कोरोनरी साइनस, इसको गार्ड करता है थिबेशियन वॉल्व। इसको कौन गार्ड करता है, थिबेशियन वॉल्व। ठीक, इसका गार्ड करता है थिबेशियन वॉल्व। थिबेशियन वॉल्व भी एक रूडिमेंट्री वॉल्व भी होता है, ऐसा कोई काम नहीं होता, खाली कहने को वॉल्व है, इट इज अ रूडिमेंट्री वॉल्व। ठीक, ओके नेक्स्ट। अब आते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस। हम लोग को मालूम है कि कम्युनिकेट राइट एट्रियल चैम्बर विद राइट वेंट्रिकुलर चैम्बर गाइडेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, अच्छा, और मैंने कहा था कुछ इसमें जो स्मॉल वेन्स होती हैं, स्मॉल कार्डियक वेन्स, उनकी ओपनिंग्स होती हैं, दीज आर ओपनिंग ऑफ वेने कॉर्डिस मिनिमी, इनको बोलते हैं थिबेशियन वेन्स एंड एंटीरियर कार्डियक वेन्स। ठीक, तो इनकी ओपनिंग्स होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि आखिर ये सब कुछ याद कैसे रखें, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया इंटरनल फीचर में कि हम डेफिनेटली सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक, तो उसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक समझो। तो शॉर्ट ट्रिक ये है, स्पॉट विक्टिम इन सिटी। ठीक है, एक मतलब इमेजिन कर लो कि आप किसी के दिल के चोर हो, ठीक है, तो आपको कोई ढूंढ रहा है, सो स्पॉट विक्टिम इन सिटी। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे एस से आ गया हमारा सुपीरियर वेना केवल ओपनिंग, पी से आ गया पेक्टिनेट मसल, ओ से हो गया फोसा ओवेलिस एंड लिम्बस फोसा ओवेलिस, टी से हो गया टेंडन ऑफ टोरेडो, वी से हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, मतलब वॉल्व है ना, तो वॉल्व फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व, आपको ये तो आपको याद ही आ जाएगा। आई से हो गया इन्फीरियर वेना केवल ओपनिंग, सी हो गया कोरोनरी साइनस। ठीक, टी से हो गया हमारा ट्रायंगल ऑफ कोच, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ट्रायंगल ऑफ कोच। ठीक, ट्रायंगल ऑफ कोच बीडीसी में दिया भी नहीं है, ट्रायंगल ऑफ कोच। और एम, एम होता है मिनिमी विनी कॉर्डी, मतलब भाई
विनी कॉर्डी मिनिमी है, लेकिन याद कर लो मिनिमी विनी कॉर्डी से, ठीक, और इनसे कुछ नहीं है, और ये जो विक्टिम में आई था इससे भी कुछ नहीं है, ठीक, और सीटी से है क्रिस्टा टर्मिनलिस, ठीक, याद कर लो स्पॉट विक्टिम इन सिटी सुपर, और मतलब सिटी की स्पेलिंग सी टी है ना, सुपरवेना केवल ओपनिंग, पेक्टिनेट मसल, फोसा वेलिस एंड लिम्बस फोसा वेलिस, टेंडन ऑफ टोरेडो, ट्राइकस्पिड वॉल, इनफेवेना केवल ओपनिंग, कोरोनरी साइनस, ट्रायंगल ऑफ कोच, मिनमी विनी कॉर्डी और क्रिस्टा टर्मिनलिस, ठीक, ये याद कर लेना और ये डायग्राम बना के आ जाना। देखो मैं तुमको बता दूं कि कुछ चीजें पर टीचर गौर करता है, जैसे कि टोरस एओर्टिकस सबने नहीं लिखा होगा, ठीक, ट्रायंगल ऑफ कोच के बारे में राइट एट्रियम आता तो सबने नहीं लिखा होगा, ठीक, टेंडन ऑफ टोरेडो के बारे में सबने नहीं लिखा होगा, अगर तुम ये सब चीजें लेबल करते हो तो उसकी नजर जाती कि हाँ ये लौंडा पढ़ के आया है, ठीक, तो टीचर को या तो तुम अपने फैंसी डायग्राम से इम्प्रेस कर सकते हो कि तुम भाई पेब्लो पिकासो पूरा बना लो ड्राइंग करके, या तो तुम अपनी नॉलेज से इम्प्रेस कर सकते हो, तो नॉलेज से इम्प्रेस करो ज्यादा अच्छा है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो और राइट एट्रियम भी समझ में आया हो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर कुछ और पढ़ाऊंगा, बाकी की वीडियो अलग अलग ही आएंगी, ठीक है, थैंक यू, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाय बाय।